आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एनालिसिस में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आईटीआई के सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू के बारे में, जो मैकेनिकल ग्रुप के। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो आईटीआई के एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम जो है होगा, जो ऑल इंडिया टेट टेस्ट, जितने भी सेकेंड ईयर के छात्र हैं मैकेनिकल ग्रुप के, उनका जो एग्ज़ाम होगा इस बार अगस्त 2022 में ऑनलाइन सीबीटी, वो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता था ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, अब वो एमसीक्यू होगा। तो टोटल 6 एमसीक्यू आएंगे। तो ये तो सिलेबस सेकंड ईयर का जो मैकेनिकल ग्रुप के जितने भी ट्रेड है आईटीए में, उन सभी का सिलेबस सेम है। जैसे मैकेनिकल ग्रुप में आपका पीटर टर्नर, वेल्ड, मैशनिस्ट, ये सारे ट्रेड आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू का ही है, जिसका एक टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सबसे पहले टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, डायगोनल स्केल। तो पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ आरएफ। तो आरएफ जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ, ये जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि बहुत सारे मशीन कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपका कोई कंस्ट्रक्शन का ब्रिज हो गया, जब ब्रिज कोई बनता है तो उसका ड्राइंग, अब मान लीजिए ड्राइंग अगर उसका ओरिजिनल अगर ड्राइंग अगर देखने में है वो 10 से 50 मीटर का अगर है, तो उसको छोटा स्केल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ड्राइंग में उसका जब ड्राइंग किया जाता है तो छोटा सा स्केल में दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मीन्स किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को जो बड़ा इन लार्ज है उसको हम कम करके, या कोई छोटा ऑब्जेक्ट है जैसे वाच घड़ी का आपका छोटा छोटा गियर कंपोनेंट होगा या कंपोनेंट हो गए, वो छोटे छोटे हैं, तो उसको इनलार्ज करके बड़ा करके हमको दिखाना है ड्राइंग में, ताकि आसानी से समझ में आए। ये तो ये टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे पूछा है यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, यूनिटलेस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आंसर यूनिटलेस, डी। द फुल फॉर्म ऑफ आर एफ, जैसे मैंने डिस्कस किया, आर एफ का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है? किसी डायमेंशन को, किसी मेजरमेंट को मैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग, मैंने ड्राइंग का लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, ये आर एफ का फार्मूला होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। तो कोई लेंथ का ड्राइंग कितना है, ड्राइंग का कितना लेंथ है और एक्चुअल लेंथ आपका कितना है, उसको रिप्रेजेंट किया गया। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, मैं 1.5 सेंटीमीटर एक लेंथ है उसे मैं 1.5 मीटर में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो रेशियो आएगा वो 1:100 आएगा उसका। वो कैसे आएगा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या बोला है, 1.5 सेंटीमीटर को मुझे 1.5 मीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ड्राइंग लेंथ हमारा 1.5 सेंटीमीटर हो रहा, मैं सेंटीमीटर में लिखता हूँ, और इसे 1.5 मीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में एक मीटर होता है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा हमारा ये 1:100, इसका मतलब एक लेंथ है उसको हम 100 गुना पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट फ्रैक्शन का यहाँ पे रेशियो होगा 1:100, इसीलिए रिप्रेजेंट फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है। जनरली स्केल लेंथ, लेंथ ऑफ स्केल, तो स्केल तो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, स्टील रूल, स्टेनलेस स्टील रूल, जिसमें आपके सेंटीमीटर, मीटर और इंच के लेंथ होते हैं, जैसे कोई नॉर्मली स्टील, स्टेनलेस स्टील रूल। जैसे कोई स्केल पकड़ते हैं हम, तो जनरली आप तो जानते हैं 300 मिलीमीटर का एक स्केल जनरली हमारे ये साइज में पाया जाता है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज पूछा है, यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा 300। तो जनरली स्केल का जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 300 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर एफ इसको बताओ रिप्रेजेंट फ्रैक्शन को हमेशा, तो यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं क्योंकि रिप्रेजेंट फ्रैक्शन को कोई वैल्यू नहीं होता, यूनिटलेस होता है, इसलिए ये एक आंसर होगा एनी वन ऑब्जर्वर, ये कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक
ठीक है, रेफरेंस फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से कम हो सकता है, इससे एक के बराबर हो सकता है। इसका मतलब बोला गया है कि स्केल को जो डिवीज़न हमारा वो रिड्यूसिंग स्केल में भी आ सकता है, फुल स्केल में जा सकता है और इनलाइन स्केल में जा सकता है। इसीलिए इसमें से ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है हमारा। लेस देन वन भी हो सकता है इसका वैल्यू, इक्वल भी हो सकता है वन से, और ग्रेटर वन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द स्केल यूज फॉर मेजरिंग इनटू टू सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा स्केल का नाम बताइए जिसमें दो सिस्टम यूज़ होते हैं मेजरमेंट के। तो दो सिस्टम, जाहिर सी बात है जब दो सिस्टम यूज़ किया गया है, तो जो सिस्टम जब यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मतलब एक हमारा मेन स्केल डिवीज़न रहेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे दो स्केल रहेंगे, दो स्केल जब रहेंगे तो दो स्केल अदर आपके एक मेन स्केल रहेगा और उसका मेन स्केल का एक सब डिवीज़न रहेगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पे पूछा है द स्केल यूज फॉर सिस्टम ऑफ टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जो होगा ये कॉम्पिटिटिव स्केल है। कॉम्पिटिटिव स्केल वहाँ पे आता है जहाँ पे दो सिस्टम हमारा मेजरमेंट का यूज़ होता है। कॉम्पिटिटिव मीन्स हमको एक मेजरमेंट के साथ और एक किसी को कंपेयर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिस्टम के लिए कॉम्पिटिटिव इंस्ट्रूमेंट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन नंबर में द आर ए फॉर रिड्यूसिंग स्केल वुड बी, रिड्यूसिंग स्केल का जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होगा वो एक से कम होगा कि एक से ज़्यादा होगा कि एक के बराबर होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा जैसे तो यहाँ पे पूछा है रिड्यूसिंग स्केल, तो रिड्यूसिंग स्केल हम क्या करते हैं, कोई बड़ा सा लेंथ हमारा, जैसे मान लीजिए कोई एक लेंथ हमारा एक मीटर है, तो एक लेंथ है, इसको हम कम करना चाहेंगे तो इसका जाहिर सी बात इसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब जो यूनिट में, अब मान लीजिए एक मीटर है तो 100 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना चाहते, तो 1:10 के रेशियो में आपके 100 के रेशियो में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा लेस देन वन, एक से कम होगा फ्रैक्शन आपका, तो इसका वैल्यू जो होगा एक से कम होगा, जिसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट है तो कि इस बार जो आईटीए के मैकेनिकल ग्रुप के इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो फाइनल एग्जाम हो गया आईटीटी ऑल इंडिया टेस्ट है 1 अगस्त 2 जुलाई में, वो सीबीटी ऑनलाइन में ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितने भी सेकेंड ईयर के मैकेनिकल ग्रुप के आईटीए के ट्रेड स्टूडेंट हैं, ट्रेनीज है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। चूज विच वन आर एफ रिप्रेजेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट रिड्यूस स्केल। तो यहाँ पे रिड्यूस स्केल बोला गया है, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी बड़ा लेंथ को, किसी बड़े लेंथ को आप छोटे से लेंथ में रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो वहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन में देखते हैं 1:1, 1:1 जो है हमारा ये फुल स्केल में है। फुल स्केल मतलब एक कोई एक मीटर लेंथ दिया हुआ है उसको आप एक मीटर में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे फुल स्केल। 1:20 क्या है, 1:20 यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा लेंथ को आप छोटा कर दे रहे हो, इसमें एक एक मीटर है इसका 20 गुना आप इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं या कम करके दिखा रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, एक मीटर है तो उसका 20 से छोटा कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। और वो एक छोटा लेंथ है उसको आप बड़ा कर रहे हैं, तो इनलार्ज स्केल में आ गया सी, यहाँ पे भी सेम डी में है, कोई छोटा कोई बड़ा स्केल है उसको आप छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेशियो ये सही नहीं हो रहा आपका। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका, हमारा रिड्यूस स्केल पूछा है ना, तो 1:20 है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
चूज विच ऑफ द फ्लोइंग इनलाइन स्केल। जैसे मैंने डिस्कस किया तो इनलाइन स्केल में क्या होता है, डिफरेंस फ्रैक्शन में किसी बड़े लेंथ को जब हम इक्वल डिवीजन में रहेगा तो 1:1, इसका मतलब 1 मीटर को हम 1 मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1:1 इसका रेशियो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द आर एफ ऑफ इनलाइन स्केल वुड बी, तो रिप्रेजेंस फ्रैक्शन यहाँ पे जो इनलाइन स्केल का जो वैल्यू रहेगा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि रिड्यूसिंग स्केल में कम रहेगा, तो रिड्यूसिंग स्केल में आर एफ जो है वो 1 से कम रहेगा, तो यहाँ पे इनलाइन स्केल पूछा है तो इसलिए इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा। सभी का लॉजिक आपका कुछ अपॉर्चुनिटी काम करता है, ये ध्यान रखिएगा आप जब भी आंसर कीजिएगा। फॉर ड्राइंग द कॉम्पोनेंट ऑफ रिस्ट वॉच, घड़ी जो होते हैं, घड़ी के जो कॉम्पोनेंट यूज़ होता है, एक जो घड़ी वॉच जो होता है, हाथ घड़ी जो होता है, रिस्ट वॉच जिसको हम लोग बोलते हैं हाथ घड़ी में, तो हाथ घड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे जो कॉम्पोनेंट होते हैं, मैकेनिकल कॉम्पोनेंट जो गियर यूज़ होते हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे साइज में पाए जाते हैं, तो उनको बड़ा सा ड्राॅइंग में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, क्योंकि छोटा सा देखने के लिए काफ़ी माइक्रोस्कोप लगेगा हमारा, तो उसका ड्राॅइंग के कॉम्पोनेंट को हमें इनलाइन स्केल में दिखाना होगा, क्योंकि छोटे कॉम्पोनेंट है तो उसका ड्राॅइंग तो बड़ा करके दिखाना होगा। अब कोई बड़ा चीज़ है हमारा, जैसे ब्रिज हो गया, ब्रिज को बन रहा है कंस्ट्रक्शन ब्रिज, ठीक है, कोई ब्रिज बन रहा है आपका, तो ब्रिज बन रहा है तो उसका ड्राॅइंग आपका बड़ा सा ब्रिज है, उसका छोटा में दिखाएंगे, इनलाइन स्केल में जाएगा। आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ITI का जो मैकेनिकल ग्रुप का इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड ईयर का जो PDF है, जो फार स्किल में अवेलेबल है, उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसके जो थ्योरी नॉलेज है उसको बढ़िया से आप कवर कर सकें।